भरपाई का कोई ये है ही नहीं, या ये कुछ कर भी नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते थे और हमने समझा कि चलो ये लोग आए हैं, ये पिछड़े समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के नेता हैं, इस नाते अपने लोगों के बीच काम करेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है उसके अनुरूप काम करेंगे। लेकिन इन्होंने 4 साल काम करने के बाद एक तो अपने समाज के लोगों को, अपने बिरादरी के लोगों को काम भी नहीं किया, उल्टे इनको जब भागना हुआ तो एक आरोप लगाया कि दलित शोषित वंचित पीड़ित और पिछड़े के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करने नहीं दिया। मैं समझता हूँ कहाँ गए ये लोग, जिस पार्टी में काम करना शुरू किया था स्वामी प्रसाद मौर्य ने, वहां सुश्री मायावती ने इनको उंगली पकड़कर राजनीति में चलना सिखाया, उसी की अस्मत को लूटने का प्रयास करने वाले गद्दारों के साथ ये जा रहे हैं, ये कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। ये दलित विरोधी है कि ये दलित के समर्थक हैं? दारा चौहान की बात करते हैं तो वह कहते हैं मैं पिछड़ों का नेता हूँ, और जब इनको अवसर मिलता है तो ये ब्राह्मण को अपना प्रतिनिधि बनाते हैं। एक मुसलमान जो मिल्की मुसलमान है उसमें भी सवर्ण जात का मुसलमान है उसे निधि बांटने का काम देते हैं, तो क्या ये पिछड़े के समर्थक है कि विरोधी हैं? इसी तरह से ओम प्रकाश को ले लिया जाए, पूरे समाज को छोड़ करके पूरे समाज को भोजपुरी ठेस भाषा में बोल करके मूर्ख बनाते हैं और अपने बेटा को, अपने समधी को, अपने कुनबे को टिकट देने का काम करते हैं, जिसको 2009-2000 में जो है 9,700 का आवास नहीं था, आज बड़ी बिल्डिंगें कहाँ से खड़ा कर लिया। अनेक छात्रों की छात्रवृत्तियों को रुकवा करके अधिकारियों से पैसे लेने के चक्कर में 2 साल तक इसने जो है नहीं लेने दिया जो है पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति, और जब इस पर मुख्यमंत्री जी की नज़र पड़ी तो यह भाग खड़ा हुआ बीजेपी में। तो मैं तो यही कहूँगा कि पहले बलेश्वर गाया करते थे कि दुश्मन मिले सवेरे सवेरे मतलब यार ना मिले, अब मैं कह रहा हूँ कि दारा स्वामी ओम प्रकाश नेता गद्दार न मिले। मैं यही नहीं कर रहा हूँ, पूरी जनता कर रही है, पूरे समाज के लोग कर रहे हैं कि कलई खुल चुकी है और ये जब क्षेत्र में जाएंगे ना तो इनको बैरंग वापस लौटना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि जिसने अपने पुरुषों के साथ और जिसने दलितों के साथ और पिछड़ों के साथ गद्दारी किया है निश्चित तौर पर उसे परिणाम भुगतना। अभी स्वामी जी बयान दे रहे थे कि राम मंदिर में भाजपा वालों ने बुद्ध जी की मूर्ति खुदवा कर फेंकवा दिया। अरे बुद्ध जी की मूर्ति खुदा तो तेरे समझ में आया, तू तो औरंगजेब की लाइन में खड़ा हो गया, अकबर के लाइन में खड़ा हो गया, बाबर के लाइन में खड़ा हो गया। अगर बुद्ध जी की नीचे मूर्ति थी और बुद्ध जी के तुम पोषक हो पालक हो तो फिर भाजपा वालों ने वहां अगर मंदिर बनाया और तुम जाकर के जो मंदिर पर गोली चलवाया, जो हजारों लोगों को मरा उसी के पाले में खड़ा हो, तो ये बताओ कि तू अपने वंश के विरोधी हो कि अपने पक्ष के समर्थक हो? कहाँ खड़े हो तुम राजनीति में, कहाँ खड़े हो? जिन लोगों ने सालार खाक के मजार पर चादर चढ़ाया सुहेलदेव महाराज के नाम लेकर के, अरे भाजपा ने सुहेलदेव महाराज के नाम पर ट्रेन चलवाया, सुहेलदेव एक्सप्रेस, डाक टिकट जारी किया, बहराइच में इतनी बड़ी जो है उनके जो है जो किला है उसको सुरक्षित करने का काम किया, पृथ्वीराज चौहान महाराज के नाम पर डाक टिकट जारी किया, शब्द वेदी एक्सप्रेस चलवाया, बुद्ध की अनेक मूर्तियां पूरे विश्व में खड़ा करने का काम किया, जाकर के सारनाथ में देख लो कि बुद्ध की प्रतिमाओं की क्या स्थिति बनी हुई है, कितनी सुंदर बनी हुई है। और तुम जाकर के खड़ा होते हो औरंगजेब की लाइन में, सलार खान की लाइन में, अकबर की लाइन में। मैं तो एक राजूपाल पिछड़े वर्ग का व्यक्ति था, उसकी पत्नी पूजा पाल है, सीधे सीधे तुमने जो है अतीक खान से गोली मरवाने का काम किया विधायक रहते हुए, और जाकर के गुंडों की लाइन में, भ्रष्टाचारियों की लाइन में खड़े होते हो और पिछड़ों की बात करते हो? पिछड़ा समाज समझ चुका है कि तुम सब गद्दार हो और सबक निश्चित तौर पर लोकतंत्र में तुम्हें सिखाने का काम करेगा। मेरी योजना जो पहले से थी, जो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, उस सिद्धांत के मुताबिक अंतिम व्यक्ति तक व्यवस्था पहुंचाने का काम हमने नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का, जो कि आदित्यनाथ के नेतृत्व में ठीक से अनुपालन करवाया है। हमने सबको आवास दिया है, सबको गैस दिया है, सबको किसान सम्मान निधि दिया है, हमने 5 लाख का कार्ड दिया है दवा के लिए, हमको उनको सुरक्षा दिया है, हमने आतंकवादियों को पूरे विश्व में रोकने का काम किया है, हमने दंगा मुक्त प्रदेश बनाया है, इस आधार पर हमने बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था किया, हमने 11 ट्रामा सेंटर खोले हैं, हमने पूरे देश के सभी जिलों में, अपने प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था की है, हमारे उत्तर प्रदेश में 5-5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बने हैं, हमने विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, हमने धारा 370 खत्म किया, राम जन्मभूमि पर मंदिर भव्य बन रहा है,
हम कुंभ में जो दुनिया का सबसे बड़ा मानव श्रृंखला बनती है, हमने उसका ठीक से संचालन किया। हमने कृष्ण जन्मभूमि का भी रास्ता खोल दिया है। कृष्ण भूमि पर भव्य कृष्ण भगवान की जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा। आम जनता के लिए हमने राशन मुहैया कराया तो हमने पानी भी मुहैया कराया। कोरोना काल में जो दुनिया सबसे डर गई थी, 5 अरब लोग भयभीत थे, मोदी के नेतृत्व में योगी ने सबको खाना पानी दवा की व्यवस्था किया। इस महामारी काल में हमने अपने ही देश में नहीं 1 अरब 7 करोड़ लोगों को, हमने विश्व के 3 करोड़ लोगों को टीका उपलब्ध कराने का काम किया। ऐसी जितनी भी बीमारी आएगी सबका दमकर मुकाबला करेंगे। अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश की जनता के लिए और पूरे विश्व में, विश्व के सकल समाज के लोगों के हित की रक्षा के लिए नरेंद्र और मोदी योगी खड़ा रहेंगे। और कार्यकर्ताओं के बलबूते, अपने पुराने कार्यकर्ताओं के बलबूते हम अपनी पार्टी को खड़ा रखेंगे। प्रचंड बहुमत से आएंगे, जनता के विश्वास को जीतेंगे। और जितने ये भगोड़े हैं, जितने आतंकवादी हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, उनका निश्चित तौर पर मेरे भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता उनको खत्म करने का काम करेगा। और कभी आप सुने होंगे कि कहा करते थे सुशील देव जी कि मेरा बूथ का कार्यकर्ता भी बढ़िया जानता है राहुल गांधी से, उससे भी बड़ा मेरा कार्यकर्ता है। तो मेरा एक एक कार्यकर्ता खड़ा होगा बूथ का कार्यकर्ता और प्रचंड बहुमत भाजपा को ला करके दीनदयाल जी के और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने को साकार करेगा। पूरा कोरोना की जो गाइडलाइन दिया है चुनाव आयोग ने, जिसने फोटो देखी थी मुख्यमंत्री जी ने दलित का भोजन किया है, मेरा कोई दिखावा नहीं है। दलित से भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता चोरी और दामन का रिश्ता है। आज भी जो संघ हमारी मात्र शाखा है वह जो काम करती है, दलित शोषित पिछड़ित वंचित लोग जो जंगलों में रहते हैं उनके बीच जाकर के हम काम करते हैं और एक विद्यालय उस दलित बस्तियों में चलाते हैं। खिचड़ी भोज हमारी वो मकर संक्रांति हमारी क्रांति है, हमारी संस्कृति की क्रांति है, हमारी संस्कृति हमारे जेहन में है कि अपने सामने अगर थाली का भोजन हो, सामने कोई भूखा आ जा तो हम वह खाना उसको दे दे, यही संक्रांति, इसी को मकर संक्रांति बोलते हैं, यही हमारी संस्कृति है। और योगी जी ने उस संस्कृत के अनुपालन में कोरोना काल में भी आप देखी होगी वो बूढ़ा बाप जो बैठा था दलित, उसे 2 मीटर की दूरी बना करके भोजन कर रहे थे। और रात में जो सफाई ने जो तांडव किया है, चुनाव आयोग के सभी नियमों की धज्जियां उड़ाने का काम किया है, निश्चित तौर पर इनके ऊपर बड़ी से बड़ी मुकदमा लगनी चाहिए कि ऐसी फिर जरूरत न करे। अगर एक बार कार्यालय में ऐसी गुंडई कर सकते हैं तो आम जनता के बीच में जाकर के वही गुंडई करेंगे और आम मतदाता को भयभीत करने का काम करेंगे, तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो मांग करूंगा, केंद्र सरकार से मांग करूंगा कि BSF की फोर्स लगा करके और इस नियम का कड़ाई से पालन कराया जाए, जहां इनका कोई प्रभाव न रहे और जनता स्वतंत्र होकर के जहां चाहे वहां मतदान करे, जिसको चाहे उसको अपने आगे की बागडोर सौंपे और अपनी व्यवस्था के बारे में काम करे।